निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत गदा चौक के पास पुल का निर्माण किया जा रहा है ताकि बारिश के दिनों में जलभराव की स्थिति आसपास की बस्तियों तथा मोहल्ले में निर्मित न हो और बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से बनी रहे। सुपेला गदा चौक के पास का पुल छोटा होने तथा पूरी तरीके से जाम होने के कारण वैशाली नगर कुर्सीपार केनाल राजीव नगर की तरफ से आने वाले पानी को निकालने में प्रत्येक बारिश में समस्या होती थी, जिसके चलते समीपस्थ बस्तियों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती थी। लेकिन अब नगर पालिक निगम भिलाई के द्वारा पुल को व्यवस्थित तरीके से निर्माण किया जा रहा है ताकि इस बारिश में जल भराव की समस्या उत्पन्न न हो और पानी निकासी आसानी से हो सके। पुल निर्माण का काज तेज गति से चल रहा है और निगम के अधिकारी इसकी लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। निगम यहां दावा भी कर रहा है कि यह पुल निर्माण का काम बारिश के पूर्व समाप्त हो जाएगा। देखिए, गदा चौक के पास में पुलिया का निर्माण हो रहा है और जो जल निकासी है उसको सुदृढ़ बनाने के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा है। चूँकि राजीव नगर क्षेत्र है और जो कुर्सी पार्क का कोसा नाला वाला क्षेत्र है, वहाँ से जो बारिश का पानी आता है, वो बारिश का पानी यहाँ पर गदा चौक के पास आकर मलबा जाम वगैरह होने की वजह से रुक जाता था। इसलिए पुल का निर्माण हो जाने से जो है वो जो जल प्रभाव है वो पूरा निरंतर चलते रहेगा और बारिश के दिनों में जो आसपास के समीपस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे जल भराव की समस्या समाप्त हो जाएगी। देखिए, इसकी जो लागत है वो लगभग जो है 48 लाख के आसपास की है, परंतु उसके साथ में और भी कार्य हैं, इसलिए निश्चित राशि बता पाना कठिन होगा। बारिश के पूर्व अभी चूँकि मानसून जो है अभी छत्तीसगढ़ में आया नहीं है और 19 के आसपास मानसून आने की संभावना जताई जा रही है, तो उसके पूर्व प्रयास ये रहेगा कि पुल का निर्माण हो जाए। मानसून को देखते हुए भिलाई निगम अलर्ट हो गया है। निगम क्षेत्र में जहां जहां पर जल भराव की समस्या निर्मित होती थी उन क्षेत्रों में नालों और नालियों की सफाई की जा चुकी है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।